आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आपका सिविल स्कोर जीरो है तो भी आप इन कार्ड को ले सकते हैं, अगर आपकी सैलरी इनकम कम है तो भी आप इन कार्ड को ले सकते हैं। पहला जो क्रेडिट कार्ड है वो क्रेडिट कार्ड है एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है। इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपकी कुछ टर्म्स और कंडीशन है कि आप इन कंडीशन को पूरा करेंगे तो आप इस कार्ड को ले सकते हैं। सबसे पहली बात करें जो इस कार्ड को, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपकी जो इनकम है वो 25,000 होनी चाहिए तो आप इस कार्ड को ले सकते हैं। अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपकी सैलरी 15,000 होनी चाहिए, लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर जीरो है तो भी आप इस कार्ड को ले सकते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन इसमें यह है, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है और आपकी सैलरी कम है तो भी आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोनों कंडीशन को ये कार्ड फॉलो करता है कि अगर आपकी सैलरी कम है तो भी आप इस कार्ड को ले सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपका सिविल स्कोर ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर जीरो है तो आपकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए तो आप इस कार्ड को ले सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपके 30,000 रुपये पर मंथ कमाने चाहिए तो आप इस कार्ड को ले सकते हैं। उसके लिए आपका सिविल स्कोर गुड होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम ज़्यादा है तो उसमें अगर आपका सिविल स्कोर जीरो है तो भी आप इस कार्ड को ले सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स की जो बात करें, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लागू होंगे, डॉक्यूमेंट्स के लिए इसमें आपका आधार कार्ड देना होगा, पैन कार्ड देना होगा या वोटर आईडी कार्ड है तो दे सकते हैं। और इसमें जो मेन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो आपकी सैलरी स्लिप अगर आप इनकम करते हैं, लेकिन उस कंडीशन में अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको देनी होगी, और अगर आपका सिविल स्कोर गुड है तो उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है अपनी सैलरी इनकम देने के लिए। दूसरा जो क्रेडिट कार्ड है वह IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड है। इस कार्ड को लेने के लिए जो आपकी मंथली इनकम है वो 23,000 रुपये की रिक्वायरमेंट रखता है, अगर आपका सिविल स्कोर जीरो है। इस कंडीशन में अगर आपका सिविल स्कोर जीरो है तो आपको 30,000 रुपये पर मंथ कमाने चाहिए तो आप इस कार्ड को ले सकते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी 50,000 रुपये मंथली होनी चाहिए तो आप इस कार्ड को ले सकते हैं। इस कंडीशन में जो आपका सिविल स्कोर अगर बस आपका 710 भी होगा तो आपका चल जाएगा, लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है और आपकी इनकम कम है तो भी आप इस कार्ड को ले सकते हैं। इस कार्ड के लिए जो आपके डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस ETC, ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। इसमें से किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आप दे सकते हैं, और आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन KYC अगर इस कार्ड को आप ऑनलाइन अप्लाई करते तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आपको OTP के थ्रू KYC होती है तो वो भी आपको इसमें देनी होगी, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी है। अगर इस कार्ड को आप इन दोनों कार्ड को कैश क्रो एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करते हैं तो वहाँ से आपको एक्स्ट्रा कैशबैक रिवॉर्ड मिलता है, जिस कार्ड को अप्लाई करने पर आप इसको दे सकते हैं। ये इसकी दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी, IDFC फर्स्ट बैंक की भी और एक्सिस बैंक की। आप इनमें से कोई सा भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, दोनों की कंडीशन मैंने आपको बता दी। इसमें आपको और भी ऐसे काफ़ी सारे डिस्काउंट ऑफर मिल जाते हैं, जैसे जो इसमें 25% का मूवी टिकट पर ऑफ मिल जाता है अगर आपको पेटीएम के थ्रू इस कार्ड को यूज़ करते हैं। 1499 रुपये की इसमें आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएंगे, 20% का डिस्काउंट एक्सेस भी मिल जाएगा। तो ये कुछ इसके डिस्काउंट बेनिफिट ऑफर है जो आप ये ले सकते हैं अगर इस कार्ड का ये आपका अप्रूव हो जाता है। आई होप आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।